मोहम्मद अकरम साहब, कामरान अकमल साहब, हारिस साहब, सेक्रेटरी साहब कामरान भाई, मिनिस्टर साहिबान, पार्लियामेंटेरियंस, सेक्रेटरी साहिबान, मेरे वाइस चांसलर साहिबान, कॉलेजेस के प्रिंसिपल साहिबान, और यहाँ पे आए मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी। आज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के टेज डिपार्टमेंट सीवीई और जलमी फाउंडेशन के दरमियान जो एमओयू साइन हो रहा है उसके ऊपर आपको एक मुफसल ब्रीफिंग दी सेक्रेटरी साहब ने। और इसका मकसद यही है कि जहाँ पे हायर एजुकेशन अपने करिकुलम एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस कर रही है, अपने एकेडमिक के अंदर एक्सेलेंस ला रही है, अपने यूथ के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, वहीं पे जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स हैं, वहाँ पे भी हम चाहते हैं कि हम अपने नौजवानों के ऊपर इन्वेस्ट करें। वज़ीर आला साहब के सरबराही में उनके उनका विजन है कि हम जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 65% से ऊपर नौजवान है और मेजॉरिटी उनमें स्टूडेंट्स हैं, तो जहाँ उनको पता है और हम सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ही नौजवानों की वजह से है, तो हमारा फोकस भी नौजवानों के ऊपर है। और हमारे अजीम कायद इमरान खान साहब, वो भी जो हैं बड़े तवातर से नौजवानों को मुखातिब करके उनकी हौसला अफजाई करते हैं। हमारा जो मेन मकसद इससे है वो ये है कि हम जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टैलेंट है उसको पॉलिश करें, उसको ऊपर लाएं। जैसे कि इंजमाम भाई ने कहा, मोहम्मद अकरम साहब ने कहा, आप 2013 से पहले अगर देखें और अपनी नेशनल टीम को देखें तो खैबर पख्तूनख्वा से कोई एक या दो खिलाड़ी हमारे नेशनल टीम में हुआ करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इमरान खान का विजन है और उसकी गवर्नमेंट की बदौलत आपके नेशनल टीम में क्रिकेट में 7-8 बंदे आपको खैबर पख्तूनख्वा से मिलेंगे। तो ये आपका टैलेंट भी है और आपके लीडर का विजन भी है। सर जहाँ पे 2022 तक नौजवानों के अंदर उम्मीद थी, नौजवान एक उम्मीद के साथ इस नेशन बिल्डिंग के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे थे, 2022 के अंदर एक ब्रेक लगा है और खुदा ना खास्ता नाउम्मीदी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों उस तरह से उम्मीद लोगों के अंदर नहीं है। और जहाँ पे चाहिए कि सूबा एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, सूबा हुनर के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, सूबा सूबा बिला सूद कर्जे दे रहे हैं नौजवानों, क्योंकि वो अपने अपने लिए जॉब, अपने लिए रोजगार तलाश करें, अपने लिए रोजगार स्टार्ट कर सके, कारोबार स्टार्ट कर सके। वहीं पे ये भी बताना चाहूँगा कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत है कि इनको हम मज़ीद जो है फ्लरिश करें। और अभी तक जो HEC की तरफ से हमें फंड्स दिए जाते थे वो भी बंद होने के मतलब ये है कि मीडिया में उसकी तवज्जो से बात करना चाहूँगा, वो भी बंद होने के नज़दीक पहुँचे हैं। अब 2-3 माह पहले जो है वो ऐलान हुआ था कि इमरजेंसी लगेगी, तालीमी इमरजेंसी, उसके बाद ऐलान हुआ कि HEC का फंड बंद किया जाएगा। तो हमें ज़रूरत है कि जहाँ सूबा इन्वेस्ट करना है अपने नौजवानों के ऊपर, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, वहाँ मरकज़ भी करें। और मुझे उम्मीद है कि हम जहाँ पे फ्रंट लाइन पे हैं अपने अफगानिस्तान के साथ या बाकी जगहों के साथ, और यहाँ पे वार अगेंस्ट टेरर रहा है, बड़े मुश्किलात से हम गुजरे हैं, तो हम अपने एजुकेशन के अंदर और उसके अलावा जो जलमी फाउंडेशन हमारे साथ कोऑपरेशन कर रहा है इसके साथ हम अपने स्पोर्ट्स के अंदर भी अपने नौजवानों को उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब मैना खान अफरीदी, द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन।